नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अपने YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से लेके नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपको करेक्शन करना हो तो आप कैसे करेंगे। और अभी क्या है गाइस, अभी जो पहले हम जाते थे लोकवाणी केंद्र पर घंटों घंटों तक लाइन लगाते थे, सुबह हम जाते थे और शाम को हमारा नंबर आता था, 12-1 बजे जाके हमारा नंबर आता था। तो गाइस पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा है, वो सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी आप डायरेक्ट अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करो, डेट कौन से दिन का आपको मिल रहा है, कौन से दिन खाली है और कितना टाइम में मिल रहा है, मतलब 2 बजे या 12 बजे या 3 बजे, जो भी है, जो भी आपको टाइम मिलता है, सिंपली आपको उस दिन पहुँच जाना है, उसी टाइम पर पहुँच जाना है, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों हम यही बताने वाले हैं आज कि आप कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और कैसे अपना मोबाइल नंबर या नाम वगैरह जो भी चेंज करना हो, आप कैसे अपने खुद ही चेंज करना होता है गाइस, कुछ भी चेंज नहीं करना हो, बस सिंपली आपको, मतलब अब अपॉइंटमेंट मिल जाता है आपको तो सिंपली आपको बस जाना होता है, जहाँ भी सही होता है आधार कार्ड। अभी तो क्या है, कुछ भी बैंकों में चालू कर दिए हैं, या मतलब जहाँ भी आपका सेंटर होता है उसमें अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का अगर जो भी आपका पिन कोड नंबर होता है अगर वो आप डालेंगे उसमें, तो आपके जो एरिया में जो जहाँ पे आपका करेक्शन होते हैं आधार कार्ड, जहाँ भी आपका आधार कार्ड बनता है वो जगह आपको उसमें दिखा देगा। तो आप सिंपली वहाँ जाके जहाँ का भी अपॉइंटमेंट मिलता है आपको, वहाँ जाइए अपना, आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं इन पे। अगर दोस्तों मेरा आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्रोम में, क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे टाइप कर लेना है UIDAI। याद रखना दोस्तों UAIDAI, ये सर्च में करना है और इस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट में गाइस आपको दिख रहा होगा ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और इस पर हमें सिंपली से क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाली पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हम इसको, चलो हम ले चलते हैं इसमें डेस्कटॉप साइट कर लेंगे, तो जो दिख रहा है आपको डेस्कटॉप साइट, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा ये डेस्कटॉप साइट में खुल के आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुक, ये जो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें आपको ये दिख रहा होगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, ये फर्स्ट वाले में गेट आधार जो लिखा है इसमें जो लिखा है ये बुक एंड अपॉइंटमेंट, तो इस पर हम सिंपली से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा। दोस्तों ये जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो कुछ सिटी हैं जिनका हमें, मतलब जिनका दिया हुआ है इसमें, आगरा है जैसे, अहमदाबाद है, जो अगर हम इस सिटी से नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। और जो नीचे में जो नीचे वाला ये जो दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए अभी हमें क्या करना है, इसमें मोबाइल नंबर आप अपना टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड करेंगे, सेंड OTP। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। दोस्तों देखिए OTP आ चुका है, हम इसमें OTP भर देंगे। सबमिट कर देंगे। देखिए दोस्तों ये आ चुका है। तो दोस्तों देखिए आपको ऊपर में ये दिख रहा होगा अपडेट आधार कार्ड, तो हमें इसमें इस पर क्लिक करना है। तो आपको क्या अपडेट करना है, इसमें नेम करना है, जेंडर करना है, या डेट ऑफ बर्थ करना है, मोबाइल नंबर करना है, ईमेल आईडी, जो भी है। तो चलिए हम इसमें अपना मेल आईडी मेरा करता हूँ, आप चाहे जो भी कर सकते हैं, और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। अच्छा ऊपर में नाम डालेंगे, मैं अपना नाम डाल लेता हूँ,
जो आधार कार्ड में नाम हो। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे। तो चलो मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ, हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और प्रोसेस को क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा ऐसे यार, मैंने इस पर क्या अपडेट में किया था, मैंने नाम पे किया था और अपना ईमेल आईडी पे किया था। दोस्तों हम इसमें नाम जो भी हम डालना चाहेंगे वो हम नाम डालेंगे, कुछ भी जो हमें नाम चेंज करना होगा वो हम नाम डालेंगे इसमें। अपनी मेल आईडी, कौन सी मेल आईडी लगानी है वो मेल आईडी इसमें भर देंगे। और हम कैप्चा कैप्चा भरेंगे, सेंड ओटीपी, हमारा ये मेल आईडी में ओटीपी गया होगा। तो हम अपना ओटीपी डाल लेंगे, वेरीफाई करेंगे ओटीपी को। वेरीफाई हो चुका है हमारा ये, हम सेव एंड प्रोसेस इस पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये ओके कर, ये टिक लगा के और हम इसको सबमिट कर देंगे गाइस। तो देखिए हमारा ये पूरा जो भी हमारे को करना था इसमें हमने कर लिया है। और हम इसको अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो हम इस पर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे। बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सर्च वाई सेंटर नेम या सर्च पिन कोड, तो हम अपना पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, डाल देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने सिटी का नाम डाला तो इसमें इतने सारे जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में हैं आसपास में वो सारे इसमें सेंटर खुल के आ गए। अभी ये हमें यहाँ पे जिस पे भी बुक करना है अपॉइंटमेंट वहाँ पे क्लिक करेंगे। जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, चलो हम इस पे क्लिक करते हैं और हम बुक करेंगे। इस पर क्लिक किया हमने तो ये हमारे पास टाइम आ गया, हमें जौन सा भी टाइम अच्छा लगे उस पर हम इस पर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। जब आप वहाँ जाओगे तो आप पे 50 रुपये अमाउंट लगेगा, 50 रुपये लेगा वो, आपका काम हो जाएगा। आप वैसे करवाते हो तो आपके आपको क्या है ना, बहुत ये देखो मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पे आपका। और उसके बाद में यहाँ पे एक फाइल, आप ये जो PDF फाइल आ गई है ये आप डाउनलोड कर लेना मोबाइल से, डाउनलोड हो जाएगा। ये ओपन हो गया है, देखो गाइस ये हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका है। आप इसको ये देखिए गाइस, हमारा ये नाम लिख के आ रहा है इसमें और ये हमारा आधार कार्ड जो भी हमने अपडेट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्या हमने अपडेट किया है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा गाइस। आप ये निकाल के ले जाओगे या इसका प्रिंट निकाल लेना और ये लेके जाना साथ में, तो आपका 5 मिनट में काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस।